हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे हिंदी, है ना। हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा था उठो लाल अब आंखें खोलो, ठीक है। आई होप आप लोगों ने उस चैप्टर को कर लिया होगा, जो जो वर्क मैंने आपको दिया था। आज स्टार्ट करेंगे लेसन 5, एकता में बल, है ना। क्या है, देखिए क्या बोलते हैं यहाँ। मिलजुल कर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इस कहानी में पढ़िए कि कैसे कबूतरों ने एकता के बल पर बहेलिए के जाल से छुटकारा पाया, ठीक है। तब हमें एक साथ कैसे रहना है, उस पर ये आधारित चैप्टर है। चलो पढ़ते हैं। पीपल के एक वृक्ष पर बहुत से कबूतर रहते थे। उनका एक राजा था, उसका नाम चित्रग्रीव था। प्रातः काल होते ही कबूतर अपने भोजन की तलाश में उड़ जाते थे और संध्या होने पर उसी वृक्ष पर लौट आते थे। एक दिन सभी कबूतर भोजन की तलाश में निकले। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर दाने बिखरे पड़े हैं। वो दाना चुगने के लिए नीचे उतरने लगे। चित्रग्रीव ने उनसे कहा, यहाँ मत उतरो, यहाँ खतरा हो सकता है। पर कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी और धरती पर उतरकर दाना चुगने लगे। चित्रग्रीव पास ही एक पेड़ पर जा बैठा। कबूतरों ने भरपेट दाने खाए। दाना खाकर जब वे उड़ने को हुए तो उड़ नहीं सके। वे जमीन पर बिछाए गए जाल में फंस गए थे। अब सभी कबूतर बुरी तरह घबरा उठे। वे तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगे। जितना अधिक जाल से वे छूटने का प्रयास करते थे, उतना ही अधिक उसमें फंसते जाते थे।